नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। सियासत में निष्ठाएं बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सत्ता की चाह में फिलहाल सियासी दलों के बदलते सरकार देखने को मिल रहे हैं। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, हर किसी ने सत्ता की चाहत में अपना पुराने सियासी सरोकारों से मुंह मोड़ लिया है, या यूं कहें कि समर्थक एक दायरे में ही ना सिमटे, लिहाजा नया पैतरा अपनाया जा रहा है। कभी दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों के सहारे सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस ने फिलहाल कास्ट की राजनीति को सांकेतिक रूप से तौबा कर ली है। मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों से घिरी रहने वाली कांग्रेस अब मंदिरों में दर्शन की नई परिपाटी पर चल रही है। ऐसा चुनावों में पहली बार नहीं किया जा रहा। इससे पहले के चुनावों में भी राहुल गांधी के जनेऊधारी होने का मुद्दा खुद कांग्रेसी नेताओं ने गरमाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दिया था। कुछ ऐसा ही वजह रही कि वाराणसी की रैली में प्रियंका गांधी ने दुर्गा स्तुति का मंच से गान कर संदेश देने की कोशिश की कि वो भी खांटी हिंदू हैं। ये कुछ उसी तर्ज पर हुआ जैसा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का जवाब देते हुए किया था। अब ऐसे में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पूरी जान झोंक दी है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिला किसानों से खेत में मुलाकात भी की, उनसे उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। वहीं प्रियंका ने आज तक आपको बता दें कि प्रियंका ने अभी तक जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए किया। प्रियंका अभी तक सिर्फ और सिर्फ महिला कार्ड चलती हुई और खेलती हुई नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि महिलाओं ने प्रियंका को रोटी साग भी खिलाया। प्रियंका ने ऐलान किया कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, 20 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे, बिजली बिल हाफ किया जाएगा, 2500 में गेहूं धान खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी हमेशा से ही MY यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार सपा ने MY का अर्थ कुछ दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश की है। M को सपा ने महिला और Y को यूथ कहकर नए ढंग से व्याख्या की है। खुद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये कहते नजर आए कि सपा ने महिलाओं और यूथ के लिए सत्ता में रहते हुए खूब काम किए थे और यही इस बार भी समाजवादी पार्टी की ताकत बनेंगे। कहा जा रहा है कि सपा इस बार चुनावों में टिकट तय करने में भी MY समीकरण को लेकर सावधानी बरतने की तैयारी में है, ताकि विरोधियों के हमले और चुनावों के सांप्रदायिक रुख लेने से रोका जा सके। कुछ इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी ने रामलला के दर्शन के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। यही नहीं, मायावती ने महापुरुषों की मूर्तियों को ही न लगाकर सर्वधर्म के साथ ही अयोध्या, मथुरा और काशी के विकास का वादा किया। इसी के साथ साथ बसपा दलित समर्थन के अपने पुराने सियासी रुख को बदलते हुए ब्राह्मणों को साथ लाने की कवायद भी शुरू कर चुकी है। सियासी दलों ने ये बदले हुए पैतरे उन्हें कितना लाभ पहुंचाएंगे, ये मिशन 2022 के नतीजों से ही पता चलेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस और बसपा जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों का साथ गठबंधन का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में छोटे दलों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इनमें से अधिकांश पार्टियों के पास चुनाव चिन्ह भी नहीं है और इससे इनके अधिकांश कैंडिडेट साइकिल छाप कर ही चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं अगर राष्ट्रीय लोक दल की बात की जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और जनवादी पार्टी जैसी पार्टियां जिनके राज्य के कई हिस्सों में प्रभाव है, वो आने वाले दिनों में सपा के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली रालोद पहले से ही सपा के साथ गठबंधन में है और साथ ही ऐसे में यूपी विधानसभा में चुनाव में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से पार्टी को उम्मीद है कि किसान आंदोलन से उसे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों और जाटों को एक ही मंच पर लाने की मदद भी मिलेगी। ऐसे में आपको बता दें, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी तमाम जगह पर जाकर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है और यही राग अलाप रही है कि बीजेपी ने 4 साल में बहुत विकास किया, लोगों को बहुत कुछ दिया और जनता को उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है।
ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन दिनों बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि जनता नाराज है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है और महंगाई भी अपने चरम पर है। तो इसीलिए आज चर्चा भी करेंगे, क्योंकि माहौल पूरा चुनावी हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने दम पर अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जहां कांग्रेस को हर कोई ये सोच रहा था कि कांग्रेस एक फीकी पार्टी बनकर रह जाएगी या कांग्रेस उस तरह से नहीं उभर पाएगी जिस तरह से आज नजर आ रही है। लेकिन वही कांग्रेस अब प्रियंका गांधी के दम पर काफी ऊपर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार हर रोज एक्टिव हो चुकी हैं, इसीलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी अब पूरे तरह से प्रियंका गांधी को दे दी गई है और इसीलिए आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता संदीप दुबे भी जुड़ चुके हैं, वहीं सपा नेता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद रालोद से अनिल जब्बास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉल इंडिया पर। अजय चंद्र चौबे जी, शुरुआत आज आपसे करूंगी। कांग्रेस पूरी तरह से यूपी में इस समय नजर आ रही है। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए जो कुछ कर रही हैं वो हर कोई देख रहा है। आज जिस तरह से महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, खेतों में गई, महिलाओं के हाथों से उन्होंने खाना खाया, अब महिलाओं के लिए वो कह रही हैं कि अलग से हम घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। हालांकि आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा, सात प्रतिज्ञाएं दी, प्रतिज्ञा दी कि अब किस तरह से वो आगे बढ़ेंगी। किसानों का उसमें जिक्र किया गया और रोजगार का उसमें जिक्र किया गया, लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि वो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र अलग से जारी करेंगी। तो क्या इस बार कांग्रेस महिलाओं के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने उनको किनारे लगा दिया था और वो आज के प्रधानमंत्री से ज्यादा लच्छेदार और जुमला और कविता कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए, किसी महिला ने इनको किनारे लगा दिया जी। उस हार के सदमे से भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पा रही है। तो आज उत्तर प्रदेश के जो जंगल राज है और रावण राज है जी, महिलाओं बेटियों के साथ जो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर जो हुआ या अन्य जगह जो घटनाएं हुई, गोरखपुर में अभी साना जी थी संविदा कर्मी थी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, आत्महत्या कर लिया। मुरादाबाद में सरिता जी आशा कार्यकर्ती थी, उनकी सैलरी नहीं आ रही थी, उनके नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, इतनी गरीबी का स्तर पहुंच गया था, आर्थिक तंगी कि उन्होंने जहर खा लिया, उनके पति ने बात को लेकर विवाद हो गया, गैस सिलेंडर तक भरवाने की स्थिति नहीं थी, उनके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश कगार पे था। उत्तर प्रदेश के जंगल राज और रावण राज में महिलाएं जिस ढंग से असुरक्षित थी, तो प्रियंका गांधी जी ने उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको खुद सशक्त बनाने का निर्णय लिया, ताकि आज प्रदेश की बेटियां माँ दुर्गा और काली के अवतार में मजबूत हो सके, वो खुद विधायक बन सके, मंत्री बन सके, मुख्यमंत्री बन सके और इन आतताइयों का जो है विनाश कर सके, इनके पार्टी को जमीन में गाड़ सके, इनके जो बलात्कारी विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको जेल के सलाखों के भीतर पहुंचा सके, इनके मंत्री विधायक जेल के भीतर सिस्टियां भरे, ना कि बेटियों को भरना पड़े, बेटियों को नहीं छिपके रोना पड़े, उनको डर डर के सड़क पे न निकलना पड़े। प्रियंका गांधी जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। अजय जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, महिलाओं को आगे रखने की बात कर रही हैं, पहले तो 40% आरक्षण देने की बात कर दी टिकट में, उसके बाद अब कह रही हैं कि स्मार्टफोन देंगी छात्राओं को, स्कूटी देंगी जो पास हो जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा और जो पुरुष हैं वो कांग्रेस से नाराज हो जाएं? देखिए,
देखिए, जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, सबकी माँ बहन बेटी हैं, और जो इस नजरिए से महिलाओं को सम्मान देते हैं युवा, इस देश के लोग, प्रदेश के लोग बिल्कुल नहीं नाराज होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और साथ आएंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के भेड़िए जिनको बेटियां एक शिकार की तरह लगती हैं, जिनका बेटियों का वो क्या कहते हैं, अब हम उस शब्द ले नहीं पा रहे हैं, इनके घृणित क्रियाकलाप को जो उन्नाव में किया, किसी लाख के छात्रा को इनके मिनिस्टर का वीडियो वायरल हुआ मालिश कराते हुए, हाथरस में बेटी की चिता को भी रात को इनके पुलिस वालों ने जला दिया, बाराबंकी में किसी बेटी को रात को जलाना पड़ा, इनकी हत्यारी पुलिस ने जला दिया। मतलब बेटियों के साथ, महिलाओं के चलिए साथ जो ठीक है अजय भारतीय जी, जनता अजय पार्टी के जी लोगों का ठीक कुछ है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर कौन ऐसा 2022 पुरुष में होगा, कौन ऐसा आपकी भाई होगा, पार्टी कौन सत्ता में ऐसा आती है बाप तो महिलाओं होगा, के साथ ये कौन नहीं ऐसा पुत्र होगा। होगा कि जो प्रसन्न नहीं होगा कांग्रेस की इस घोषणा से कि उनकी बहुएं सुरक्षित हो जाए, उनकी बेटियां सुरक्षित हो जाए, उनकी माँ सुरक्षित हो जाए, उनकी बहन सुरक्षित हो जाए, उनकी सहपाठी सुरक्षित हो जाए। कौन ऐसा युवा होगा जो प्रसन्न नहीं होगा इस घोषणा से। चलिए ठीक है अजय जी, जो भी आप बातें कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो सब पूरी हो। आज एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगी मैं, प्रियंका गांधी ने साथ प्रतिज्ञा जो कही उसमें एक था कि एक नया नारा दिया गया, हम वचन निभाएंगे। इसका मतलब जानना चाहूंगी कि किस ये क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इससे, हम वचन निभाएंगे। देखिए, ये सिर्फ संदेश नहीं है, पूरा देश जानता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बलिदान दी है, त्याग दी है और वचन निभाई है। किसानों के कर्ज माफी का अगर घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया तो 3 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ रुपया अपने मातृचंद उद्योगपतियों का माफ किया। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ठीक है अजय इस जी, देश में एम्स दिया जनता के लिए, एयरपोर्ट दिया जनता के लिए, ट्रेनें चलाई जनता के लिए, मेडिकल कॉलेज बनाए जनता के लिए, चलिए यूनिवर्सिटियां बनाई, IIT NIT इस ठीक है देश को, अजय जी, प्रदेश के अजय लोगों जी को दिया, आपकी, अजय लेकिन जी भारतीय आपकी जनता बातें पार्टी ने सुन इसको ली देश हैं, के अपने दोबारा चंद से आपके पास उद्योगपतियों को दिया। लौटूंगी अजय जी, दोबारा से आपके पास लौटूंगी। संदीप दुबे जी आपके पास आना चाहती हूँ मैं। कांग्रेस इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, महिला कार्ड प्रियंका गांधी खेल चुकी हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई नजर आ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है, आखिर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, एक तो अब हमें भी बोलने का अवसर पूरा देंगे क्योंकि 10 मिनट हमारे साथी बोले हैं, जी 30 मिनट का डिबेट है, 10 मिनट बाद के डिबेट खत्म। आपकी पार्टी के मित्र भी हैं, सब लोगों को बोलना, मुझे सबको लगता है पूरा सबको समय समान मिलेगा। अवसर है। संदीप जी आप अपनी बात रखिए, सबको पूरा समय मिलेगा। देखिए, कांग्रेस क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, उनके पार्टी का अंदरूनी विषय है और हर कोई लोकतांत्रिक सक्षम तरीके से जनता के बीच, अगर उनको लगता है कि जनता उनको वोट देगी प्रलोभन के माध्यम से, तो बहुत कई स्टेट हैं जिन स्टेटों में ये सारे काम करना था, फिर आना था। पहले तो कांग्रेस तय करे कि उनके नेता प्रियंका जी हैं या राहुल गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, कांग्रेस तो इन तीन किसको अपना नेता मानते हैं और किसके विचार पे ये पार्टी आती है। दूसरी, मैं बात अपनी बात से कहूंगा और अपनी ही करूंगा, महंगाई बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई है, पटने की सरकार कोशिश कर रही है, वर्ष पीड़ा दायक रहे हैं हमारे ही लिए नहीं, पूरे विश्व के अनेक देशों के लिए, लेकिन उसके बाद भी संदीप लड़ने जी, की क्या आने बात वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी? जिस तरह से बिल्कुल कम लगातार हो, कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल
कम होगी और सरकार के सामने जो भी चुनौतियां चुनौतियों का सामना सरकार कर रहे हैं। इनके मंत्री तो एक कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम और बढ़ना चाहिए, महंगाई और बढ़नी चाहिए। अजय जी आपको समय मिलेगा, रुक जाइए, पहले संदीप जी की बात सुन लीजिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था जब आप अपनी बात रख रहे थे, बोलिए संदीप जी। देखिए एक तो अजय भाई लड़ाई कोई कांग्रेस की लड़ाई पहले सपा से सपा और कांग्रेस में तय करते हैं विपक्ष की कौन सी पार्टी है और कौन बेहतर हो, सिर्फ अपनी पार्टी और अपने सरकार को बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने विगत योगी जी के कार्यकाल में क्या किया। जब हमें देश मिला था उत्तर प्रदेश राज्य के तौर पर था और हम उसके बाद 2000 पहले प्रदेश सरकार का जो बजट था वो लगभग 2 लाख करोड़ जी ने भी अच्छा काम किया, 2 लाख करोड़ तक का पहुंचाया जो आमदनी सरकार थी। लेकिन आज 4 साल बाद और तौलेंगे तो उसके विकास दर से आज जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की बजट है वो 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो इसके इसको कहेंगे कि चौमुखी विकास कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकार ने प्रॉपर चलाकर लागू किया है। आज उत्तर प्रदेश बैंक से हमारे पास कम से कम 49,000 करोड़ के आसपास आ जा रखे राज्य सरकार के पास, तो आमदनी राज्य सरकार की बढ़ी है और राज्य सरकार बेहतर ढंग से हर ढांचे को चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो या पुलिस व्यवस्था का हो, हर ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक सरकार चुनी हुई सरकार के किए हुए काम आगे ले बेहतर करने की कोशिश करती है और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहते कि पुराने लोग दिक्कत में थे, सब लोग मिलकर अच्छा काम करें क्योंकि प्रदेश को आगे ले जाना समाज। ठीक है संदीप जी, संदीप जी अगर इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लिया जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया जाए, एक नारा बार बार दोहराया जा रहा है सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी पहले से ही शुरू से कहती आती है, लेकिन विपक्ष जो है हर बार ये कहता है ना तो सबका साथ था ना ही सबका विकास हुआ है। देखिए मैं भी नेता हूँ, उनका वो फर्ज बनता है, मेरी आलोचना को मैं जो अच्छी चीजें है उसको स्वीकार करूं और अपने अंदर की बुराई अगर मुझे दिखती है तो उसको दूर करूं। अगर सशक्त मुझे अच्छा निर्माण करना, कल हम भी विपक्ष में थे जो सत्ता में लोग होते तो उसकी आलोचना करते, ये प्रतिद्वंदिता नहीं, ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। हम सबको अपनी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और अवसर मिलेगा, लेकिन हाँ उदंडता का जो अवसर है वो नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस के लोगों के बारे में एक ही बात कहूंगा कि गांधी जी की पार्टी है, क्या गांधी जी के 3 मंदिर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, चलिए ठीक बुरा है। मत कहो, इस तरह की देश में व्यवस्था की बात करते थे, लेकिन आज ये कांग्रेस के लोग बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा। चलिए ठीक है संदीप जी, संदीप जी आपके पास, संदीप जी आपके पास लौटूंगी। मनोज यादव जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी अब आपने देख लिया कि बीजेपी तो विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस महिला कार्ड खेल चुके है, महिलाओं के लिए बातें कर रही है, महिलाओं के लिए वादे कर रही है, महिलाओं को आगे रखकर चल रही है। समाजवादी पार्टी कहाँ है, समाजवादी पार्टी किसके लिए कर रही है, क्योंकि देखिए जो आपका सबसे कोर वोट बैंक है यादव, अब बीजेपी की नजर उस पर आ गई है, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ गया? 4 साल में 4.5 साल होने वाले हैं और डबल इंजन की बुलेट वाली सरकार है। मैं हतप्रभ हूँ कि आज आपको सम्मेलन करना पड़ रहा है, कभी चौहान सम्मेलन, कहीं यादव सम्मेलन, कहीं लोनिया सम्मेलन, कहीं पता नहीं पाल सम्मेलन, ये है क्या? इसका मतलब आपने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, हम कोई सम्मेलन नहीं कर रहे थे, हम अपना काम बता रहे थे कि देख लो हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई, देख लो हमने 2.5 साल में मेट्रो लखनऊ में चला दी, देख लो हमने 17.5 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट दिए बच्चों को, देख लो 55 लाख महिलाओं को हमने पेंशन दे दी, देख लो हमने कितना बेहतरीन हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर बनवा दिए 2.5 साल 3 साल में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे सरकारी हों, हम तो काम बता रहे थे, यहां तो सम्मेलन हो रहे। तो यहीं से बीजेपी स्वयं अपनी पोल खोल रही है कि हमने काम नहीं किया है, नफरत के नाम पे, भड़काने के नाम पे, बहलाने और फसलाने के नाम पे हमने चुनाव जीता था और अब पुनः वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के दम पे चुनाव में उतरेंगे।
मैं इस बात का विरोध कतई नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी सम्मेलन ना कराए, कराए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी सम्मेलन करवाओ आप, लेकिन जनता डिलीवर्ड क्या हुआ? गाय से बड़ा प्रेम था, गाय की क्या स्थिति है कौन चर्चा करेगा, कौन जवाबदेही जनता ने किसकी तय की है? और गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात आपने कही थी, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते होंगे, उत्तर प्रदेश की सड़क पर चल के दिखाइए ना कॉलोनीज में क्या स्थित है, सिर्फ गड्ढा युक्त सड़कें, मुक्त नहीं कर पाए आप, तो कहां पे है पैसा? और तो और मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देके समझा दे रहा हूं, पुरानी जेल लखनऊ में है, वीवीआईपी रोड है जिससे सारे वीआईपीज निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, विगत एक महीने से लगभग आधी रोड बनी पड़ी, आधी ऐसे पड़ी है, वीवीआईपी रोड उसका नाम है। आप सोचो सरकार के पास पैसा है, यानी कि मनोज जी, सड़क बनाने के बाद दूसरी, आपके हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ? जो काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के नींव रखे हुए काम ही आगे बढ़ पाए, इस सरकार ने कुछ अलग से नहीं दिया। अच्छा ये गिनाएंगे अभी, इनसे पूछे काम तो कहेंगे हमने शौचालय बनवाया, शौचालय देश के हर राज्य में बन रहे हो, चाहे कांग्रेस शासित हो या समाजवादी विचारधारा का हो, हर जगह बन रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। फिर कहेंगे हमने मकान बनवाया, मकान हर जगह बन रहे हैं। फिर कहेंगे हमने राशन फ्री दिया, राशन हर स्टेट में दिए जा रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में क्या अलग सा हुआ ये बताओ ना, ये कौन बताएगा? बीजेपी के लोग बताएंगे ना। अगर आपने कुछ डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली सरकार ने अगर कुछ डिफरेंट काम नहीं किया तो फिर आपसे अच्छे तो हम थे ना। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, अरे आपके सतपाल मलिक राज्यपाल हैं, वो क्या कह रहे हैं, 300 करोड़ रुपए का ओवर हमको दिया जा रहा था और कहा जा रहा था ये फाइल कर दो, एक अंबानी की फाइल थी और एक फाइल थी आरएसएस के अधिकारी की, पदाधिकारी हैं बड़े, आप सोचो अपने ही राज्यपाल को 300 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हो आप, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा? ठीक है मनोज जी, आप मनोज जी, आप अभी जितनी बातें कह रहे हैं अगर मान लिया जाए, उन्हें सच मान लिया जाए, देखिए अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तब भी समाजवादी पार्टी इसी तरह आई थी कि तो उनकी सरकार में किए गए काम है, अब बीजेपी अपना नाम लगा रही है, इस पे नाम लगाकर आगे बढ़ रही है। अब आज ही की बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे थे, अंबेडकर नगर पहुंचे थे, साफ तौर पर उन्होंने सीधा संदेश दिया, सीधी बात कही कि अब से पहले की जो सरकारें थी यूपी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है। तो ये बात अगर योगी जी कह रहे हैं तो योगी जी क्यों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार में काउंट कर रहे हैं? किसने जमीन अधिग्रहण किया था, किसने उसकी नींव रखी थी, ये कौन बताएगा? और जो विज्ञापन चलता है, आपसे अनुरोध करूंगा मैं कि टीवी चैनल पे देखिएगा बीजेपी का विज्ञापन, उसमें जितना कुछ आपको बना दिखेगा, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, ईश्वर की सौगंध खा रहा हूं, जितना कुछ उस विज्ञापन में दिखेगा वो समाजवादी पार्टी की सरकार का काम है, या तो हमने पूरा कर दिया था। अरे हमने पुराने लखनऊ में वो जो घंटाघर टावर बनवाया, पुराने लखनऊ को डेवलप किया, रूमी दरवाजे से वाले एरिया को डेवलप किया, इन्होंने कितना आरोप लगाया, आज वही विज्ञापन में चलता है, वही दिखाया जाता है कि देखिए हमने कितना सुंदर बना दिया, वो हमारी सरकार के काम दिखा आप रहे हो, मेट्रो चलती हुई दिखाते हो, वो समाजवादियों की देन थी कि 2.5 साल में जितनी मेट्रो बननी थी उतनी बन गई, जवाब देंगे क्या आगे बढ़ पाई? संदीप जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई एक बहुत सुरक्षित इंसान है और अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो उनको रखने का हक भी है, बिल्कुल बहुत से काम ऐसे किए थे पूरा हम लोगों ने किया, ये सरकार करने में, लेकिन हमने कभी उनके साथ द्वेष नहीं रखे, अच्छा काम किसी तरह का हो, किसी अच्छा हो जो प्रदेश के विकास के लिए हो, आम जन के हित में के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सबके साथ सबके विकास को मूर्त रूप दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो बात है किसी भी राज्य की पैमाना विकास क्या, कैसे आप मानेंगे कि सरकार ने किस ढंग से काम किया, उसके दो पैमाने, राज्य अपने से फंड करती है, दूसरा केंद्र सरकार की जो योजनाएं राज्य सरकार की योजनाएं, अगर सभी योजनाओं का मूल्यांकन हो और योजनाएं ठीक ढंग से आम जनता तक पहुंचाई गई हो और उस मूल्यांकन के आधार पर किसी मुख्यमंत्री का मूल्यांकन किया जाए, उसने कितना अच्छा काम किया है, उसके किए हुए कार्य इससे पता चल जाए,
घंटाघर बनवा देना, मूर्ति लगवा देना अच्छी बात है, लेकिन यही कांग्रेस थी और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। केंद्र से चले हुए पहले कहते थे पूर्व प्रधानमंत्री 90% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, कहते थे पुराने हमारे लूट हो रही है, चाहो तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, माफिया की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर उनके बोलबाले थे, उनकी सरकार थी, इन सब पे सरकार ने नियंत्रण किया, अंकुश लगाने में सफल रही है, इसीलिए आज वो जनप्रिय सरकार है। यशस्वी योगी आदित्यनाथ को सब लोग इतना प्रेम करते चाहते हैं, पुनः उनकी सरकार। चलिए ठीक है संदीप जी, संदीप जी आपके पास लौटूंगी, रालोद से अनिल डब्बास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज सही से तक नहीं पहुंच पा रही है, आप उसे ठीक कर लीजिए। इतने अनिल जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। अनिल जी समय देख रहे हैं कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो, सब पूरी तरह से अब चुनावी मैदान में है। रालोद क्या कुछ करेगी जनता को लुभाने के लिए? अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पहले से ही वहां के किसान आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम रालोद के साथ हैं। देखो धन्यवाद आपको, कम से कम इतना तो पता है नेशनल चैनल को कि रालोद के साथ किसान है, और अब की बार सबसे ज्यादा परेशान किसान और मजदूर ही है। अनिल जी ये तो हर किसी को पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, ये तो हर किसी को पता है कि किसान रालोद के साथ ही है, जयंत चौधरी की तरफ किसानों का जो झुकाव है वो सबको पता है। जी जी जी, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी लगातार आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया जो है वो आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, हम लगातार सबसे पहले चुनाव में हम लोग की शुरुआत की है, हमने चुनाव को और 31 तारीख को हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वो उसको डिक्लेयर करेंगे लखनऊ से, 30 तारीख को हमारी आखिरी जो है आशीर्वाद सभा बड़ौत में है जी, उसके बाद जो है हम लोग 31 की तारीख को जो है 11 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी मैनिफेस्टो जारी करेंगे, वहां से हमारा घोषणा पत्र होगा, घोषणा पत्र में सारी चीजें होंगी जो गरीब मजदूर किसान के लिए होंगी, रोजगार के मुद्दे पर होगी, महंगाई के मुद्दे पर होगी, जो शोषण हो रहा है महिलाओं का, जो शोषण हो रहा है गरीब मजदूरों का किसानों का, उसके खिलाफ जो है हम लोग हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो सारा टोटल जो है उसको फोकस करते हुए होगा, और हम आप लोगों को नेशनल चैनल के माध्यम से देश की जनता को प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा 100% लागू होगा, हमारी सरकार बनेगी अगर हमारी पार्टी का होगी तो 100% हम उसको 6 महीने लागू करेंगे सारी चीजों को। जी ठीक है अनिल जी, आप किसान आंदोलन का हमेशा से साथ देते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं एक बात और बताऊंगा कि जब से हमारे तीन पीढ़ी हमारी राजनीति में हो गई, चौधरी चरण सिंह जी, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी, हम लोगों ने जो बातें कही है वो पिछले 40 साल पहले 5 प्रधानमंत्री देश के बने थे चौधरी चरण सिंह जी, तब से आज तक जो चीज कही है वो पूरी की है, चाहे वो एयरपोर्ट बनवाने के रहे हो, चाहे चीनी मिल लगवाने के रहे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे रहे हो, चाहे कृषि भूमि इन किसानों को जो है भूमि दिलाने का काम किया हो, हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, चाहे पुलिस वालों के जो है हाफ पैंट से पूरी पैंट करने का काम किया हो, तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, हम लोग अब भी करेंगे, अगर हमारी सरकार में साझेदारी हुई या हमारे सरकार में हमारा प्रतिदिन 100% हमारा मैनिफेस्टो लागू होगा। अनिल जी लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से, चलिए किसान तो आपके साथ हैं, किसान आपके साथ आने की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ किसानों का साथ बहुत है या और किसी का साथ नहीं चाहिए आपको? देखो मैं आपको बताऊंगा, सर्व समाज में किसान है, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जो है क्या नाम पाल हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो जो है जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो जो है ठाकुर हो, सब लोग किसान है, हमारी पार्टी तो सर समाज की पार्टी है, हमारी एक जाति विशेष की नहीं है, किसान एक कौम का नाम है, तो हमारी पार्टी तो सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। चलिए ठीक है अनिल जी, अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी में पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वही रणनीति अपना रही हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनाई थी बीजेपी को हराने के लिए। देखिए प्रियंका गांधी जी ने
उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ 10 लाख जनता के साथ अपना गठबंधन कर लिया है और यहाँ की किसानों महिलाओं के समस्याओं के साथ आज नहीं वो बहुत पहले से मुखर रही हैं, उनके तर्क में हर वक्त उनके साथ रही हैं। किसी भी किस्म परिस्थिति का इस भाजपा सरकार के किसी भी जुल्म और किस्म को सहन करते हुए गिरफ्तारियां भी झेली हैं, लेकिन आंसू पोछने वो किसानों का महिलाओं का बेटियों का जरूर पहुंची है उनका उत्साह बढ़ाने। अब मुझे एक बात कहना है जी। कि भारतीय जनता पार्टी के इन बलात्कारियों भेड़ियों किसानों के हत्यारों नौजवानों के सपनों के कातिल और देश को पाकिस्तान के हाथों बिरयानी खा के बेचने की साजिश करने वाले इन देशद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अगर प्रियंका गांधी को ममता बनर्जी सोनिया गांधी इंदिरा गांधी का अवतार लेना पड़े तो लिया है उन्होंने। आज इंदिरा गांधी का अवतार लेके प्रियंका गांधी जी नहीं ठीक है अजय जी ठीक है प्रियंका गांधी लोगों की आवाज उठा रही हैं अजय जी ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ये आवाज उठाना प्रियंका गांधी का यूपी तक ही सीमित है? क्या यूपी के बाहर के लोग नहीं दिखते उन्हें? देखिए वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद है। क्या उनको उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी की समस्या दिखती है? उनकी पुलिस आमतौर में किसानों पे गोली चलाती है? नहीं एक बात बताइए क्यों नहीं दिखती? जहाँ जहाँ एक बात बताइए जहाँ कुछ हो रहा है कुछ भी बड़ी घटना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करते हैं। जो है बेटियों के साथ मालिश कराने का वीडियो आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं लेकिन आसाराम बापू को बापू बताते हैं। किसानों के यहाँ जाके शीश नवाने में वो कतराते हैं लेकिन राम रहीम के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। बाबा बीरेंद्र देव दीक्षित को वो अपना बाबा बताते हैं। अरे ये बलात्कारियों की पार्टी है, अब प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने वाली है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर से हाफ पैंट करके इनको फिर से इंग्लैंड भेजा जाएगा उन्हीं अंग्रेजों के साथ। अब हिंदुस्तान में इन देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। चलिए ठीक है, अभी सुनता 139 करोड़ की जनता पे इनको जुल्म करने के लिए छोड़ा जाएगा, टच के मुकाबला किया जाएगा जैसे अंग्रेजों का किया था, अंग्रेजों के इन वीरों का आज भी किया जाएगा, टच के मुकाबला किया जाएगा और इन्हें प्रदेश और देश से भगाया जाएगा, इन्हें फिर से पाकिस्तान जिन्ना के पास वापस भेजा जाएगा, इन्हें फिर से इंग्लैंड भेजा जाएगा वापस। चलिए ठीक है अजय जी ठीक है। संदीप जी आपने तो सुन ही लिया है कितना गुस्सा है अजय जी को और कितनी कुछ बातें उन्होंने कही, एक आप उनकी बातों का तो जवाब दी। जनता की गुस्सा है, यह देश की जनता की गुस्सा है। ठीक है अजय जी सुन लिया। आज किसानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, आज महिलाओं के बीच नहीं जा पा रहे हैं, आज नौजवानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नौजवान इनके मंत्रियों के कुर्ते। चलिए ठीक है अजय जी उम्मीद ये रहेगी जिस तरह से आज प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच जा रही है पीड़ितों के बीच जा रही है, अगर आपकी सरकार आए या ना आए अगले 5 साल भी प्रियंका गांधी की यही तस्वीर देखना चाहूंगी मैं, इसी तरह से वो दिखनी चाहिए। पिछले 5 साल से आप देख लीजिए प्रियंका गांधी की यही तस्वीर है प्रदेश में, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं जुर्म और अत्याचार किया है प्रियंका गांधी पहुंची है उसे रोकने, उसके बाद ही अत्याचारियों पे कोई कार्रवाई हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों और हथियारों के साथ खड़ी रही है, उन्हें बचाती रही है, हर घटना में बचाती रही है। चलिए ठीक है अजय जी, संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। चलिए अब जो मैं पूछना चाह रही थी वो बाद में पूछूंगी, लेकिन बार बार कांग्रेस के नेता या किसी और पार्टी के नेता यही कहते हैं कि बलात्कारियों की पार्टी है, इनकी सरकार में ये होता है, इनकी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, इनकी सरकार में किसान परेशान है। संदीप जी बोलिए। कांग्रेस के साथ ही चले गए, देखिए अच्छी बात है, सबको मैं पहले ही कहा अपनी बात कहकर सिर्फ चले गए अजय जी, किसी और की बात नहीं सुननी है। नहीं पारुल जी देखिए अच्छी बात है, जितने भी अच्छे लोग हैं हम करके
अजय जी को अपने प्रदेश में वोट बैंक हो सकता है। बढ़िया, मैं इस बात सब लोग यहाँ चर्चा तो वैचार दुश्मनी नहीं है, हम सब लोग एक पार्टी के विचार से अपनी बात रखते हैं। पार्टी मैं जिस विषय को कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस की ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई उनकी पार्टी पर कोई भी उंगली उठाए या किस तरह की भी बातें करे। देखिए, खाली कुर्सी नजर आ रही है, फ्रेम दिख रहा है, लेकिन अजय जी कहीं नजर नहीं आ रहा इस बीच। अजय जी क्या हो गया आखिर, इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस तो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम महिलाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। प्रियंका गांधी पूरी तरह से उतर चुकी है, अब आपको क्या हो गया? देखिए पारुल जी, एक बात कहूंगा, ऐसा तो नहीं ये डिबेट अजय जी के कहने के सारे पे हो रहा है और ये पूरी तौर पर प्रायोजित हो रही है आपके चैनल द्वारा। भी हम लोगों ने इतने देर से तो डिबेट में 20-35 मिनट दिया, आपने 20 मिनट का समय 25 मिनट का अजय जी को दिया। संदीप जी समय आपको भी दिया था, मनोज जी को भी दिया था, हर किसी को समय इक्वल मिला है। लोग को चिन्हित करके आप अपने चैनल में बोलने के लिए प्रतिदिन मौका देंगे तो दूसरे व्यक्ति के मन में शंका जा रहा है। शंका जाहिर करता हूँ, कोशिश करता हूँ मीडिया अच्छा काम और इसे अच्छा से करना चाहिए। मनोज भाई ने भी बहुत अच्छा बहुत प्रहार किया, अपने अपने पक्ष को जनता के बीच रखने जाएंगे, उनको रखना भी चाहिए। प्रियंका जी भी आई है, प्रियंका जी भी रखिए, क्योंकि प्रियंका जी कांग्रेस के लोग सवाल ये पूछेंगे कि प्रियंका जी राजस्थान सरकार है, आपने वहां क्या, पंजाब की सरकार क्या किया, पंजाब की सरकार है ने किया, आपने कौन सा मौका किया, क्या वहाँ पे जो जो उत्तर प्रदेश में कह रही है या वहाँ पे करके दिखाया नहीं करके दिखा, तो सवाल कांग्रेस से होंगे तो भी पे सवाल जवाब देना, हमारी पार्टी से जो सवाल उसका जवाब। ठीक है संदीप जी, संदीप जी यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी आके आई है एकदम से, जहां कांग्रेस को सब सोच रहे थे कि वो स्लिप मोड पे चली गई है, कांग्रेस अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन तुरंत ही प्रियंका गांधी जिस तरह से सामने आई है, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को जितना आराम राहुल गांधी से था उतना ही डर प्रियंका गांधी से लग रहा है। देखिए प्रियंका जी देश पर, मैं किसी भी लेडीज पे या कोई भी राजनीति करता है, आप साहब पारुल जी बता दूं, एक नेता से ईमानदार इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में रहता है और किसी भी पक्ष में हो, किसी भी दल को, किसी विचार को मानने वाला हो। प्रियंका जी अगर राजनीति सही मायने में सेवा करना चाहती है, जनता के बीच जाए, उन्हें जनता चुनेगी, हम अपना पक्ष रखने को तैयार है। ये इस समय समझता है वो जो काम कर रही है, अगर वो ठीक है उसके नौटंकी करने से अगर उत्तर प्रदेश की जनता वोट दे देगी तो नौटंकी जितना होना है करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की नौटंकी होगी तो जनता को भी तो पता चलेगा। जनता ने जब कांग्रेस की असलियत जानी हुई तो कांग्रेस की देश से नकारा है, तो अच्छी बात उनको आज चाहिए अपनी असलियत जानने की जरूरत है। हमारा बैच हमारे हमारा बैच ना समाज पार्टी से है, न रालोद से है, सब लोग को देश के लिए काम करना है। हम यही कहते हैं, हम सब लोग मिलकर अपने राष्ट्र के लिए बेहतर की आवश्यकता हूँ। मैं बराबर एक बात कहता हूँ कि हम सबसे अच्छे और बुरे पक्ष हमारा राष्ट्र प्रकृति है, सबको मिलकर अपने देश और राष्ट्र के बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत मैं अखिलेश यादव की तुलना अपने से नहीं कर सकता, मैं प्रियंका जी की तुलना नहीं कर सकता, मैं किसी भी विपक्ष के बड़े नेता की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने राजनीति में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं एक दो दिन में नहीं हासिल की है, उनके क्रमशः बहुत सालों के लंबे संघर्ष। हम अपना पक्ष रखने वाले लोग सिर्फ अपने पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, पार्टी ने जो चार साल में बेहतर काम किया है उस काम के बदौलत हम जनता की। संदीप जी यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाते हैं वो जनता को संबोधित करते हैं तो वो एक बात जरूर कहते हैं, एक तो ये कि 2017 से पहले माफियाओं का राज स्वराज, एक उन्होंने बात कही कि अगर दंगा किया उत्तर प्रदेश में तो 7 पीढ़ी उसका खामियाजा भुगतेंगी। देखिए
पारुल जी उसके पीछे रीजन तो कि जनता के बीच हर पक्ष पक्षकार बन के हम लोग जाते जनता पता होता है पूर्व सरकारों से जो आने वाली सरकार तो बेहतर करना ही होगा नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक दबाव होता है इस मामले में तो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोहराया है आपको ये भी गलत लोग हैं बुरे लोग को चिन्हित करके सरकार ने विशेष अभियान जेल में भी डालने का काम किया तो उनकी तो जो उनकी बात है वो जनता के बीच जा रही है और जनता को ये बात समझ आ रही है क्योंकि जनता तो पूर्व सरकार और अभी की सरकार की तुलना करेगी पूर्व में पार्टी की सरकार थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों सरकारों में तुलना करके जनता जिसको वोट देना चाहे जनता के ऊपर हम लोग को सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहिए हम पक्ष रख सकते हैं लेकिन कांग्रेस के मित्र ने जिस तरह से डकैत सबको प्रयोग किया हम लोग सबको सार्वजनिक जीवन में रहना है इससे सबको खेद और गुलेज करना चाहिए इससे एक अच्छी चलिए ठीक है संदीप जी ठीक है ज्यादा लड़ते हैं लेकिन हम उनका बर्बाद मान करते हैं वो अपने विषय पे रहते हैं संदीप जी ठीक है मनोज जी समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो एम और वाई मुस्लिम और यादव बहुत बड़ा योगदान रखती हैं बिगाड़ने में समीकरण को अब बनाने में लेकिन इस बार इसकी डेफिनेशन बदल दी गई है एम के लिए कहा गया है महिला और वाई के लिए यूथ ऐसा क्यों इस बार बदल के क्यों आना पड़ा आपको देखिए ये हम पे लगातार आरोप लगा है कि हम यादव और मुस्लिम का राजनीतिक दल हैं लेकिन ये बात बिल्कुल पूर्णतः असत्य है क्योंकि किसी दो जाति या किन्हीं दो धर्म का एक जाति के समावेश से कोई सरकार नहीं बना सकता बीजेपी का मूल वोटर अपना है उसके बावजूद उसको पिछड़ों का दलितों का किसानों का मजदूरों का सबका साथ लेना पड़ा और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं का भी साथ लेना पड़ा तो हर राजनीतिक दल का अपना कैडर वोट है तो कैडर वोट के हिसाब से वो अपना क्लेम करना उसका अधिकार है लेकिन जनता जब पूर्णता चाहे वो अगड़ा हो पिछड़ा हो अल्पसंख्यक हो गरीब हो मजदूर हो किसान हो सभी जब एक मंच पे आते हैं जब एक सोच से आते हैं कि हमको इस सरकार को बनाना है या इस सरकार को उखाड़ फेंकना है तो वो सरकार बदल जाती है हाँ ये निश्चित तौर पे है कि एक बड़ा तबका है जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमेशा से पसंद करता रहा और उसी पसंदगी की वजह से हमें लगभग 4 बार सत्ता चलाने का अवसर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया और 5वीं बार की तैयारी के लिए जनता का हमने मन बना लिया है कि हम समाजवादियों को पुनः सत्ता में बैठा लेंगे और उस डेवलपमेंट को सिंगल इंजन की उस स्पीडेड इंजन वाली सरकार को हम पुनः स्थापित करेंगे जिससे कि कम उत्तर प्रदेश का समग्रीण विकास हो सके किसानों को हम बिजली दे सके किसानों के लिए हम सस्ती खाद ला सके उनके बीज के उनके तमाम गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की जा सके उन सारी चीजों पे एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया विगत 5 साल में या नेताजी ने अपने 3 सालों में चाहे वो पुल बनाने का काम हो सड़क बनाने का काम हो अस्पताल बनाने का काम हो उससे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है लेकिन इस बात पे समाजवादी फोकस करेगी इस बार कि हम किसानों को मजदूरों को गरीबों को बेरोजगारों को कैसे उनको फ्रंट लाइन में ला सके कितना अधिक से अधिक उनको बेनिफिट दे सके ये समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी लेकिन हमको फक्र इस बात का है कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से एक इतर पहचान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उनका विषय है उन्होंने कहा कि दंगाइयों के साथ पीढ़ियां नहीं भूलेंगी जी उन पे 24 मुकदमे थे अगर उनके मुकदमों की फाइल लिस्ट देखेंगे तो उसमें दंगे वाले मुकदमे सबसे ज्यादा हैं तो जिस पे खुद दंगे कराने का इंडिविजुअल किसी पद पे रह के नहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने जो दंगे उत्तर प्रदेश में उन पे चार्जेस लगे दंगे कराने के वो किसी से छुपा नहीं है उस पे उनको जेल जाना पड़ा तो एज ए सांसद वो संसद में किस तरह रोए ये दुनिया को मालूम है तो ये बात उनके मुख से मुझे लगता नहीं शोभा देती है निश्चित तौर पे दंगाइयों का कोई समर्थन नहीं करता है कोई भी कोई राजनीतिक दल हो हम विपक्ष में हम दंगे का सहारा नहीं लेते हैं लेकिन बीजेपी विपक्ष में होती है तो चाहे नहीं ठीक है आप मस्जिद गिराने आप, के बाद आप समर्थन नहीं करते हैं लेकिन किसान जो करते हैं अभी कई जगह पर किसानों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उनका तो आप समर्थन कर रहे हैं उनका तो साथ दे रहे हैं आप 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं किसानों शहीद हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री की आंखों में एक आंसू नहीं आया और अपना दुख और चाय और पता नहीं माता जी के बर्तन धोने की बात पे अमेरिका में भी रो पड़ते हैं
अपने देश के अन्नदाता 600-700 की संख्या में मर गए, शहीद हो गए आंदोलन करते करते। नहीं लेकिन आप ये भी तो देखिए ना मनोज जी, अन्नदाता क्या कर रहे हैं वहां बैठकर, ये भी तो आप देखिए ना, जिन्हें आप अन्नदाता कह रहे हैं वो वहां क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए। देखिए अगर कोई आंदोलन है उस आंदोलन पे किस तरीके से चलेगा, कैसे शांतिपूर्वक चलेगा, ये सरकार का भी दायित्व है। सरकार अगर आंदोलन की हिफाजत नहीं कर सकती, सरकार वहां सुरक्षा नहीं प्रदान करा सकती, या कोई अराजक घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार का फेल्योर उसको गिना जाएगा। हम किसानों के उस मुद्दे के साथ खड़े हैं। और लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ये नहीं, पहली आप जैसी पार्टियों का किसानों को इतना साथ मिलता है इसलिए तो किसान इस तरह कर पा रहे हैं, चाहे आप हो गए, सपा हो गए या कांग्रेस हो गई, बैठा है ना जी, किसान अपनी मांगों के लिए बैठा है ना, वो कह रहा है मांगों के लिए बैठा है, लेकिन अगर मांगों के लिए ही बैठा होता तभी सही होता, अब जो किसान कर रहा है वो गलत है ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ जी। जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया काल लाल किले पे, वो व्यक्ति की फोटोज किसके साथ है, बीजेपी के सांसद के साथ है कि नहीं है, गृह मंत्री जो है भारत के उनके साथ है कि नहीं है, तो अराजक तत्व तो कौन है, किसान है कि बीजेपी के वो लोग जो चीजों को खराब करने के लिए आंदोलन में घुसते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, मैंने कितनी बड़ी बात कही कि 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आपने कितना नॉर्मली उस पर रिएक्ट किया, आपने कहा कि वहां जो घटनाएं घट रही हैं इस बात पे आप बात कर रहे हैं, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उस बात पे आपका जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, आप सोचिए। और आप कह रहे हैं कि जो मनोज जी इससे पहले हमने बहुत चर्चा इस पर की है और बीजेपी से खूब सवाल किए इस पर, लेकिन आप जिस तरह से ये जो विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं इसीलिए किसानों को बल मिल रहा है इस तरह की घटनाएं करने का। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, अनिल जी, मनोज जी, एक सेकंड एक लाइन कह दो जी बोलिए। जो किसान इस देश के गरीब से अमीर तक के पेट में रोटी देने वाला हो, उस किसान पे टिप्पणी करने के बजाय यह है कि उनका हक दे दो, वो अपने घर वापस चले जाएं। क्यों एक साल से आप उनको बैठाल के रखे हुए हो, क्या मजबूरी है आपकी, वो पूंजीवाद जरूरी है कि अन्नदाता की मांगे जरूरी हैं। लेकिन ठीक है मनोज जी, मनोज जी ठीक है आपकी बात सुन ली, लेकिन किसानों के लिए भी तो कोई मजबूरी नहीं, अभी तो स्टे है ना उस पर, उन बिलों पर, फिर क्यों किसान जिद पर अड़े हुए हैं, जब अगर लागू किया जाएगा तब की बात ठीक है, तब अगर विरोध करेंगे तो सही है। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी, किसानों को लेकर बार बार बात की जाती है कि विपक्ष किसानों का साथ देते हैं इसीलिए किसानों को ये बल मिल रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार पर ही आरोप लगाते हैं कि सरकार करा रही है किसान आंदोलन में जो कुछ हो रहा है। नहीं देखो, आपने कहा अभी कि वो किसान वहां बैठकर क्या कर रहे हैं, जब जब देश पर समस्या आई, जब जब किसान आगे आया तभी जो है देश का उद्धार हुआ, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार इतना बड़ा आंदोलन चला है किसानों का, और किसानों की जब रोटी और जमीन सबने का काम हुआ है तभी अन्नदाता वहां बैठा है। 700 लोगों का मरना एक बहुत बड़ा संख्या है, देश को माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से जो है रद्द कर देना चाहिए। राजनीति करने का मौका क्यों देते हो विपक्ष को, आप राजनीति करने का मौका दे रहे हो तभी तो राजनीति हो रही है। आप अगर अन्नदाताओं की अगर रोटी और रोटी के लिए आप राजनीति कर रहे हो तो आप लोग करा रहे हो, बीजेपी सरकार करा रही है। आप सोचिए अगर 700 लोग कहीं जो है बहुत बड़ी संख्या होती है 700 लोगों का मरना और आपने ये कह दिया कि वो वहां कहां कहां क्या किस लिए बैठे हैं। आप सोचिए, मैं आपको ध्यान जो है इस तरफ इंगित कराना चाहूंगा कि अगर ये कानून वापस हो जाते हैं, आपने कहा कोर्ट का स्टे है, इनको कैंसिल कर दें 2 साल के लिए जो इनको कर दें, अगली सरकार आएगी इसी पर चुनाव करा लें तो पता चल जाएगा इनको, 2024 का चुनाव इसी मुद्दों पर करा लें भाई, लोगों को मारने के नहीं। अनिल जी ठीक है, अनिल जी आपकी बात मान लीजिए, आपकी बात सही है, लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में जो दंगा किया जा रहा है उसके लिए नहीं बोलेंगे क्या आप कुछ? तो क्या क्या देश के गृह राज्य मंत्री दंगा कर रहे हैं क्या, उनको क्या हो रहा है उनका? आप आज तक इस्तीफा लिया सरकार ने? अगर आज यही काम सपा पार्टी का या कोई मुसलमान एमएलए या सांसद या विधायक कोई करता तो अब तक वो जेल के अंदर होता और उसकी सदस्यता तर्कृत हो जाती। ये फर्क है बीजेपी में और पार्टियों में, ये फर्क है जो है जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर जो खुलेआम गुंडाई करने का फर्क है, ये आज तक नहीं हुआ देश के इतिहास में।
अगर ये किसी और पार्टी का सांसद होता या कोई नेता होता तो उसके घर में बुलडोजर चल गया होता। ठीक है अनिल, आपको मैं बताना चाहता हूँ देश विनाश की तरफ जा रहा है और ये सारी देन बीजेपी सरकार की है। चलिए ठीक है अनिल जी, ठीक है, अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, बस संदीप जी से जान लेते हैं। संदीप जी, जिस तरह से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से बीजेपी ये किसानों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको कैसे दूर करेगी बीजेपी? देखिए मेरी एक बात आप समझिए, किसी भी सरकार नहीं हो मेरी, कांग्रेस की, सब पार्टी, बसपा की, देश में किसानों की आत्महत्या। अब अगर किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं तो उसका क्या कारण पे हमें जानना है। कारण ये है कि तो उनके फसल बर्बाद हो जाता है, दूसरा उनकी सारी मेहनत तरह से करते बाढ़ आ जाता है, तीसरा वो जो बीच के लोग होते हैं गांव में बड़े धनवान उनसे पैसे लेते हैं और वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चलता है उससे वो दब जाते हैं। सरकार ने अगर उनकी आय दोगुनी करने की सोची और कानून ले आई, सरकार ने कोशिश करी दोगुनी करी जाए और उसको लेकर वो कानून लेके आ, ठीक है किसान भाई कुछ भाई नहीं समझ रहे, जिद है तो जिद भी नहीं, ठीक है संदीप जी, लेकिन किसानों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है जो इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर कैसे समझाएंगे, क्योंकि देखिए अभी तो एक गेट लागू नहीं किए गए हैं लेकिन तब भी किसान जिद पर अड़े हुए हैं, जब लागू किए जाए तब ये फायदा है आंदोलन करने का, अब किस तरह से आप रखेंगे अपनी बात किसानों के आगे? देखिए कोई भी चुनी हुई सरकार कभी नहीं चाहती, खासतौर से भारत कृषि प्रधान देश है कि वो हित में काम करें। मैं चारों लोग मैं तो आज ही कह रहा हूँ अनिल बता दें कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके वजह से किसानों का काम दुगुनी हो जाए, सरकार वो मान ले कर रही है वो काम, संसद में ही कानून बनेगा तो किसी की भी सरकार को रोडों पे बैठ के कानून बनता, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्योंकि जीत किसी के लिए भी अच्छा हो, सरकार को भी अच्छा और किसान जीत करे तो भी। अब मैं बात अपनी कहूंगा ये जीत से ऊपर उठ के हम सब को इस विषय पे सोचना है कि किसान हित में क्या बेहतर है, देश हित में क्या बेहतर है और वो सब को मिलके काम करना। सरकार हमेशा दरवाजे खुले। चलिए ठीक है संदीप जी, जो भी आपने कहा उम्मीद करती हूँ कि लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से आपने कहा कि सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है, साथ सबको काम करने की जरूरत है, उम्मीद है कि लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाकी हैं और तमाम पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं, बीजेपी विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है, विकास कर रहा है, विकास यहां पर हुआ है वहां पर हुआ है ये तमाम बातें कहकर बीजेपी आगे अपनी गाड़ी बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर है क्योंकि बीजेपी को विपक्ष लगातार सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर घेरता नजर आ रहा है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है ऐसे में। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है महिलाओं के मुद्दे को लेकर, महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी, उसको लेकर महिलाओं को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर सपा बसपा की बात की जाए तो वो भी ब्राह्मण कार्ड इस समय खेलते नजर आ रहे हैं, तो पूरी तरह माहौल इस समय चुनावी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये पार्टियां किस तरह से और योजनाएं लाती, किस तरह से और लोगों के लिए वादे करती हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।